हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीट एकेडमी। देखिए, आज का लेक्चर है आपका 12th क्लास के लिए है। 12th क्लास हमारी जो एक्सरसाइज है 5.4, जो आपकी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लेवल की एक्सरसाइज आपकी है। एक क्वेश्चन 100% इसमें जाता है आपका, ठीक है। तो देखिए, इसका जो हम 11th क्वेश्चन करेंगे आज, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर कि ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है एंड बी मैट्रिक्स, फाइंड ए बी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, मीन्स ए बी की प्रोडक्ट करनी है मैट्रिक्स की। Use it to solve the following system of equation. उसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट का यूज करके इन इक्वेशन में से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें देखिए, अब ए बी की करेंगे प्रोडक्ट, उसका यूज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले करेंगे प्रोडक्ट, हमारा सोल्यूशन है वो यहां से स्टार्ट है। ए बी, ए मैट्रिक्स हमारी ये है, बी मैट्रिक्स हमारी ये है, दोनों की कर देंगे प्रोडक्ट। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 बीच में आता है हमारा प्लस का साइन, माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4, उसके बाद 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 0। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, माइनस 1 की 2 के साथ माइनस का 2, 0 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ 0। ऐसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ माइनस 4, माइनस 1 की माइनस 4 के साथ प्लस का 4, 0 की 5 के साथ 0। ऐसे हम सेकंड रो और तीनों कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ माइनस का 12, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 8। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का 4। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ माइनस का 8, 3 की माइनस 4 के साथ माइनस का 12, 4 की 5 के साथ 20। ऐसे ही थर्ड रो तीनों कॉलम के साथ कर देंगे, 0 माइनस 4 प्लस 4, 0 माइनस 4 प्लस 4। ऐसे फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस का 2 माइनस का 2, 0 प्लस 2 माइनस 2। ऐसे थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस के 4, उसके बाद 5 टू 10 प्लस का 10। अब इसको कर देंगे प्लस माइनस, देखिए कितना आ जाएगा इसके अंदर, ये 4 प्लस 2 6, माइनस प्लस कैंसिल 0 0, यहां भी 8 और 4 प्लस का 12 और ये माइनस का 12 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 6, उसके बाद 20 प्लस का और ये माइनस का 20 कैंसिल, ये भी 0, मीन्स सारा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो डायगोनल जो एलिमेंट है वो आपके क्या बचेंगे, इसमें 6 6 बचेंगे। तो इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें से 6 हम कॉमन ले सकते हैं, 6 क्या बचेगा, 100 010 001। मैंने क्या किया, इसमें से 6 कॉमन ले लिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 111, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो हमारा क्या आ गया, इसमें जो ए बी है प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ गया, 6i i3, कि हमारे जो तीन रो तीन कॉलम है तो हमारी क्या बनेगी, ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की, तीन ऑर्डर की। अब हम क्या करेंगे, यहां से निकाल लेते हैं इनवर्स, प्रोडक्ट हमारा आ गया, अब हमने इसका यूज करके यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। तो यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, इसमें इनवर्स। तो यहां देखिए, हमने इनवर्स निकाला, तो आप इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए इनवर्स से, 6a इनवर्स i, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू 6a इनवर्स, ए इनवर्स i क्या हो गया हमारा, i a इनवर्स, उसके बाद i इंटू बी क्या हो गया, ये बी 6a इनवर्स, 6 आ जाएगा डिवाइड में, मीन्स कि b को हम 6 से कर देते हैं डिवाइड, वो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, इनवर्स आ जाएगा। b मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 माइनस 4 2 2 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 5 1/6 इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब इनवर्स हमारे पास आ गया, अब इस इनवर्स का यूज करके हम यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है आपके, तो अब आगे देखिए, इसमें देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड, इनवर्स हमारा क्या आ गया था, 1/6 इंटू बी मैट्रिक्स, 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 1 5, ये हमारा क्या आ गया, इसमें इनवर्स आ गया। और b की वैल्यू हमारी क्या है, जो इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जैसे 3 17 7, ये हमारी क्या आ गया इसके अंदर, b की वैल्यू आ गया। दोनों की कर देंगे प्रोडक्ट, जिससे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 की 3 के साथ 6 प्लस 2 की 7 के साथ 34 माइनस 4 की 7 के साथ 28। ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 12
टू की 17 के साथ 34, माइनस 4 की 7 के साथ, ऐसे ही इसकी करेंगे अब इसके साथ, कितना आ जाएगा 6 माइनस के 17 प्लस के 35, ये हमारे आगे इसमें प्रोडक्ट। अब इसको कर देंगे आगे थोड़ा सिंपलीफाई, देखिए 1/6। अब देखिए माइनस करेंगे इसमें से 34 और 6 कितना हो गया आपके पास 40, प्लस प्लस के प्लस कर देंगे और क्या बच गया माइनस का 28। देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस का दोनों को प्लस कर देंगे, 28 और 12 कितना हो गया यहाँ पे 40 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 40 प्लस का 34, ऐसे इसके अंदर। यहाँ पे देखिए 35 और 6 कितना हो गया 41 माइनस के 17। अब इसको भी कर देंगे आगे सोल्व, कितना आ जाएगा आपके पास 1/6, 14 में से 28 माइनस कर दोगे कितना बचेगा यहाँ पे आपका 12 बचेगा, ऐसे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे माइनस 40 प्लस 34 कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया 40। आप देखिए 11 में से आप 7 माइनस करोगे 4 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बचेगा। अब जो 6 है वो डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक है ना, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 6 1 जा और 6 4 जा। तो यहाँ से हमारे देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास ये माइनस का 1, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमारी जो x y z की वो वैल्यू क्या आ गई इसमें 2 माइनस 4 माइनस 1 और 4। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है इसके अंदर, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज माइनस 1, कि तीन नंबर का जो सम हमारे पास क्या है माइनस 1 है। इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, जो सेकंड नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड थर्ड नंबर बाय 3, जो थर्ड नंबर है उसको 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, वी गेट 5 ऑन एडिंग, मतलब एड करने बाद आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 5 आ जाएगा। इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करें सर, फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्लस करके उसमें से थर्ड नंबर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा माइनस 1। फाइंड द नंबर्स, हमने वो नंबर निकालना है यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो इनवर्स है उसका यूज करके। तो देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट थ्री नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड, कि तीन नंबर हमने लेट कर लिए इसमें एक्स वाई जेड। अब क्या कह रहा है देखिए, इसमें हमारे पास क्या एक स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहले हमें क्या करनी है इसमें इसकी लीनियर इक्वेशन बना देंगे, उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे मैट्रिक्स का इनवर्स यूज करके। देखिए द सम ऑफ द थ्री नंबर इज माइनस 1, कि तीन नंबर हमारे पास ये तीनों का जो सम है वो हमारे पास क्या है इसके अंदर ये माइनस 1। इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, जो सेकंड नंबर है वाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड थर्ड नंबर बाय 3, जो थर्ड नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 5, रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा, कब मिलेगा 5 ऑन एडिंग देम, इनको ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है इसके अंदर, इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, कि फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देंगे x प्लस वाई और थर्ड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद वी कैट इनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आगे देखो सिंपल बन गया इसके अंदर, अभी ये तीन इक्वेशन आ गई, तीनों को मैट्रिक्स मेथड से हम सोल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हमारे ए की जो वैल्यू है वो क्या है इसके अंदर, एक्स वाई जेड का जो कोफिशियंट है, एक्स का कोफिशियंट 1 1 1, यहाँ पे एक्स नहीं है तो 0 ले लेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 1 माइनस 1। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है इसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, b की वैल्यू क्या है इसके अंदर आपकी, चलो यहां लिख देते हैं b की वैल्यू क्या है इसके अंदर -1 5 -1 1 -1 5 -1। अब हमने सोल्व कर रहा है, देखिए x y z की वैल्यू निकाल दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें जो a मैट्रिक्स है उसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो फर्स्ट रो से निकाल देंगे, ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ माइनस का 2, बीच में साइन नेगेटिव होगा, 1 की 3 के साथ 3, उसके बाद माइनस 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके मल्टीप्लाई साथ 0 माइनस 3 प्लस 1 फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 0 माइनस 2 0 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए -2 -3 कितना हो गया माइनस के 5, यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3, उसके बाद -2 माइनस के 5 और 2 माइनस के 2 कितने हो गए माइनस का 7, -7 में से आप 3 माइनस करोगे क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारी क्या है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हेंस इनवर्स इज
एग्जिस्ट को, जो इनवर्स है वो आपका क्या करेगा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अब आके देखिए हम क्या करेंगे इसमें, हमारे पास क्या आ गया इसमें डेटरमेटिव भी आ गया, हमने निकालना इनवर्स सबसे पहले। अब इनवर्स की जो आइडेंटिटी है वो आपकी क्या होती है इसमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइड में डेटरमेंट। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, अब एडजॉइंट डिफाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए पहले क्या निकालेंगे, को फैक्टर ऑफ ए, A11, A12, A13। ये कहाँ से आ जाएगी तीनों वैल्यू, अपनी जो ब्रैकेट के अंदर है वहां से ले लेंगे। देखिए माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस के 5, अब इसमें 0 माइनस 3, माइनस का 3, यहाँ पे ओड है प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2, ऐसे नेक्स्ट निकाल देंगे 2, 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 2, यहाँ भी ओड है चेंज हो जाएगा। अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस के 1, माइनस का 1, कितना आ गया माइनस के 2, A 2, 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1, माइनस का 1, 0, ऐसे A 3, 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, माइनस का 2, कितना आ गया 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस प्लस का 3 और 0, तो प्लस का 3 ओड है तो चेंज हो जाएगा नेगेटिव। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 2, 0, कितना बचेगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर, ये आ गया हमारे पास इसमें एडजॉइंट अब देखिए हमें क्या निकाल दे, कोफैक्टर निकाल दे। अब क्या निकाल देंगे इसमें एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर हमारी एलिमेंट है, इनकी पोजीशन पे लिख देंगे इनको, ठीक है। 2 माइनस 2, 0, 1 माइनस 3, 2। अब इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, रो कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। -5, 3 माइनस 2, 2 माइनस 2, 0, 1 माइनस 3, 2। ये हमारा क्या आ गया इसमें एडजॉइंट आ गया। निकालना क्या है इनवर्स। इनवर्स क्या आ गया आपके पास, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट। एडजॉइंट हमारा ये है -5, 2, 1, 3 माइनस 2, -3, -2, 0, 2, और 1 अपॉन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना आपका -4। ये आ गया हमारा इनवर्स। अब इस इनवर्स का यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब आगे देखिए। अब देखिए अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड, इनवर्स क्या आ गया 1 बाई -4, -5, 2, 1, 3 -2, -3, -2, 0, 2 इनटू बी। बी की वैल्यू क्या है -1, 5, -1। अब इनकी कर देंगे प्रोडक्ट, जिससे कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब प्रोडक्ट यहाँ कर देते हैं -4, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम -, -+5, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, 1 की -1 के साथ -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3, -2 की 5 के साथ -10, -3 की -1 के साथ +3, ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम --+2, 0 के 5 के साथ 0, 2 की 1 के साथ -2। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 10 में से आप 1 माइनस करोगे 9, 9 और प्लस 5 कितना हो गया आपके पास ये 14। ऐसे यहाँ पे 3 + 3 - 3 कैंसिल, क्या बचेगा -10, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 0। अब इसमें -4 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 14 बाई -4, -10 बाई -4, 0 बाई -4, ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा, ये भी -- कैंसिल, 2 5 जा 2 2 जा, 0 बाई 4। 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, वो 0 ही आएगा इसमें। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई -7/2, y की वैल्यू क्या आ गई 5/2, z की वैल्यू कितनी आ गई 0। तीन वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से x, y, z की। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में क्या गिवन थी, एक स्टेटमेंट गिवन थी है। स्टेटमेंट से हमने क्या निकाली, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व करके हमने क्या निकाली अपनी, ये इनवर्स का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज है आज ये कंप्लीट हो गई 5.4। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है फिफ्थ, वो अभी आपका कंप्लीट हो गया। और आपकी जो एक्सरसाइज है ये 5.4 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आता है इसमें से। तो देखिए जो फिफ्थ चैप्टर है आपको समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।